इस वक्त हम इंद्री विधानसभा में हैं, करनाल लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहां पर 2014 से पहले कांग्रेस और INLD के बीच मुकाबला रहता था, लेकिन 2014 में जब से बीजेपी आई, OBC समाज बीजेपी के साथ आया और नतीजतन यहां पर 14 और 19 में बीजेपी को जीत मिली। 14 में यहां कंबोज उम्मीदवार था और 19 में बीजेपी की तरफ से यहां कश्यप उम्मीदवार था, लेकिन 2019 के नतीजों में राकेश कंबोज इंडिपेंडेंट के तौर पर यहां दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर। ऐसे में अब की बार राकेश कंबोज कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और कंबोज वोटर यहां सबसे ज्यादा बहुतायत में है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कंबोज के आधार पर OBC वोट में विभाजन होगा या फिर OBC मजबूती के साथ बीजेपी के साथ बने रहेंगे। ऐसे में जातिगणत में कंबोज वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आइए आपको लेकर चलेंगे अलग अलग कंबोज बिरादरी के गांव में और पूछेंगे कि आखिर कंबोज किसके साथ, क्योंकि कंबोज अगर एक साथ हैं तो किसको फायदा होगा और अगर उसमें कोई बिखराव होता है तो किसको नुकसान होगा। के फैक्टर इंद्री का की फैक्टर है। कंबोज और कश्यप ये दोनों इंद्री की पॉलिटिक्स के विनिंग वर्ड हैं। जिसने इन दोनों को कैच कर लिया वो यहां मैच विन कर गया। सीधा साधा जाति गणित यही है। इस वक्त हमें इंद्री विधानसभा के मुरादगढ़ गांव में मौजूद हैं। इंद्री विधानसभा को अगर आप देखेंगे तो कंबोज और कश्यप इन जातियों का दबदबा है और इन्हीं से विधायक चुने जाते हैं और जब जाति गणित की बात होती है तो इन्हीं दो जातियों पर सबकी नजर होती है। जिस गांव में मैं मौजूद हूं ये कंबोजों का गांव है। सर, जो लोग कंबोज को नहीं जानते, ये जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं, किस में आते हैं? बीसी में आते हैं। किसान कौम है वैसे? हाँ, किसान कौम है। तो अगर कंबोज समाज वोट डालने की सोचता है तो पिछली बार यहाँ कश्यप उम्मीदवार था, तो कंबोज समाज पे फर्क पड़ेगा कि अगर कश्यप उम्मीदवार दोबारा आता है तो? अच्छा जी, जैसे कि कश्यप पिछली बार जो बीजेपी के से जुड़े थे, जो जुड़े से थे, उन्होंने पूरी वोट दी, ठीक है। तो अब की बार जो है वो मेरे हिसाब से तो वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों? कंबोज नाराज? नहीं, वो क्योंकि इतने काम नहीं हुए। काम नहीं हुए हल्के में? काम नहीं हुए। काम नहीं हुए तो ये कह रहे काम नहीं हुए। सर, अगर आप हमारे लिए देखें, कंबोज समाज वोट करता है तो क्या सोच के वोट करता है और क्या इस बात पे फर्क पड़ता है कि कैंडिडेट कंबोज है कि कश्यप? देखो, देखने की दोनों ही चीज होती है। अपना काम भी देखो भाई कौन करेगा, तो देखने की तो दोनों ही चीज होती है भाई, काम हमारा कौन करेगा और सामूहिक काम भी और पर्सनल काम भी दोनों ही देखने होते हैं। तो कौन कर रहा है किया? देखो, इस सरकार में बीजेपी सरकार में सामूहिक काम ही होते हैं, पर्सनल काम तो बीजेपी सरकार में किसी के हुए नहीं। हाँ, पर्सनल काम नहीं? पर्सनल काम तो होते नहीं, तो सामूहिक काम होते हैं, ये ठीक हो रहे हैं। ठीक हो रहे हैं? हाँ। तो कोई नाराजगी नहीं? नहीं। वैसे तो यहाँ हार जीत में जाट ब्राह्मण जाटव वाल्मीकि सबका करीब करीब बराबर का हिस्सा है, लेकिन असल में विनिंग फैक्टर के ही है। ऐसा क्यों है वो यहाँ के सोशल इक्वेशन से समझ सकते हैं। जाट 18,615, ब्राह्मण 15,719, जट सिख 10,342, कंबोज 22,958, कश्यप 17,994, वाल्मीकि 14,892 और जाटव 20,890। कंबोज सबसे ज्यादा हैं, इसलिए इनकी राय ज्यादा मैटर करती है। अब देखो, तो कंबोज अगर वोट डाले तो जात फैक्टर कितना रहेगा या ओबीसी अभी सारे बीजेपी के साथ? देखो जी, ये तो बात बीजेपी भी मानती है कि जो बीजेपी की देश में जीत होती है तो ओबीसी सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है, ठीक है जी, और उन्हीं की वजह से बीजेपी जीतती भी है। और
देखो रही बात कम्बोजो की, अपना तो ये है जी, अब जैसे हमारे एरिया में कांग्रेस के टाइम में मतलब गोड्डो तक के खड्डे थे सड़कों पे, इंद्रगढ़ से जाना पड़ता था हमें, फाजलपुर वालों को जोड़ माजरे से जाना पड़ता था, ये भी सड़क टूटी थी सारी। तो जब से पिछली बार पिछले इलेक्शन में जाए करण देव जी आए यहाँ, सड़कें टूटी। अब की बार इन 5 सालों में थोड़ा लेट होया काम होया, मैं ये नहीं कहता, बट थोड़ा लेट होया, मामला ढीला रहा, ढीला रहा थोड़ा। अच्छा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि इस बात से भी कोई फर्क पड़ा कि सीएम अब की बार करनाल की तरफ से था, इस तरफ का सीएम होना चुनाव में कोई मायने रखता है? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ा जी, अपने एरिया का होगा तो अपने एरिया का काम होगा, दूसरे एरिया को होगा दूसरे एरिया का कहाँ काम करा जी। अच्छा अंदर नहीं दूसरे एरिया का। तो यहाँ से एक नेता होती है कुमारी शैलजा, उनका कितना प्रभाव है इस इलाके में, या हुड्डा के चेहरे पर कोई वोट दे देगा कांग्रेस को? कुमारी शैलजा का नहीं है, ओल्ड है जी, नहीं है जी, नहीं है, नहीं जी। और कांग्रेस? कांग्रेस कल भी नहीं आया इतना जी, नहीं है, नहीं है। तो कम से कम कम्बोजो के गांव में कह रहे हैं कि नहीं, ओबीसी जिस तरीके से बीजेपी के साथ पूरे देश में खड़े थे, यहां भी हैं, बीसी में आते हैं कम्बोज, और कश्यप भी उसी कैटेगरी में आते, कश्यप भी बीसी में ही है, तो दोनों ये ओबीसी की सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास की सीट है, और इसमें कश्यप और कम्बोज मिलकर ही तय करते हैं कि जीतेगा कौन। लेकिन इस बार कम्बोज वोट को लेकर बड़ा ट्विस्ट आ गया। कम्बोज जाति के लोग बीजेपी से कम्बोज उम्मीदवार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब लिस्ट आई तो नाम निकला रामकुमार कश्यप का, जो मौजूदा विधायक भी हैं इसी सीट से, हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राज्य अध्यक्ष और पूर्व मंत्री करण देव कम्बोज ने भी टिकट मांगा था। जब टिकट नहीं मिला तो पार्टी के सभी पदों से करण देव कम्बोज ने इस्तीफा दे दिया। टिकट नहीं मिलने के कारण करण देव कम्बोज नाराज है, बीजेपी के कम्बोज वोट में दरार पड़ सकती है। बीजेपी के लिए मसला कितना गंभीर है इसी से समझ सकते हैं कि करण देव कम्बोज को मनाने के लिए खुद सीएम सैनी आए। जो वीडियो सामने आया है उसमें नाराजगी साफ दिख रही है। सीएम नायब सिंह सैनी करण देव कम्बोज के साथ हाथ मिलाना चाहते थे, उन्होंने अपना हाथ आगे भी किया, लेकिन कम्बोज सीएम सैनी को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। क्या कम्बोज इस बार पार्टी नहीं कम्बोज कैंडिडेट को देख रहे हैं? इस वक्त हम फाजिलपुर गांव में हैं, यहां पर शाम की बैठक चल रही है। सर चुनाव आ गया है, कम्बोज सबसे ज्यादा संख्या में है इस इंद्री विधानसभा में, कम्बोज क्या सोच रहे हैं, किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो बीजेपी का है जी, बीजेपी का माहौल है। हाँ जी। तो 10 साल से सरकार भी चल रही है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया? नहीं बदलाव आवेगा, जनता चाहेगी पर बदलाव जी भी आवेगा ना जी, कोई काम ना रहे हो। अच्छा काम हो रहा है? हाँ काम हो रहा है। सर अभी बात करेंगे, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रण सिंह है। तो कम्बोज समाज को इस बात से फर्क पड़ता है कि उम्मीदवार कश्यप है कि कम्बोज है? देखो मान ले फर्क पड़ता होगा लेकिन मार पे कोई फर्क नहीं है, मार पे कोई फर्क नहीं है। तो सीएम करनाल का इसलिए बहुत फर्क पड़ा है? हाँ विकास आया बिल्कुल। तो देख रहे हो आप उत्तर हरियाणा का सीएम होने का असर ये है कि सब ठीक है। सर आप कैसे आंक रहे हैं पिछले 5-7 साल के 10 साल के कार्यकाल को? ठीक है जी, मेरी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो कांग्रेस के लिए कोई संभावना नजर नहीं आ रही? बस हमारे वास्ते कुछ नहीं आया, कुछ कुछ नहीं ना। क्यों कांग्रेस से नाराजगी क्या रही? नाराजगी भी नहीं है, नाराजगी तो है मतलब जब वो किसानों के कर्जे माफ किए गए थे लेकिन मारे नहीं हुए थे, तो हम मतलब हम भी तो इसी देश के हैं तो मारे क्यों नहीं हुए? अच्छा मतलब वो हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी उस टाइम। तो जो यूपीए 2013 में जो चुनाव से पहले कर्जे माफ, तब की बात कर रहे तो देख रहे हो तब से याद करके बैठे। सर क्या नाम हुआ आपका? सर अरुण कुमार। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो आपने कहा नहीं चल रहा बिल्कुल, क्या कमी रहेगी? सारी कमियां, काम क्या करा, एक भी काम नहीं आया, एक भी कोई भी अगर सामूहिक काम देखे जाए ना तो एक भी काम नहीं है इसमें बीजेपी सरकार में। अच्छा बिल्कुल। तो कुछ गिनाओ कि अब की बार संभावना कहाँ नजर आ रही है, और कितने फीसदी कम्बोज बीजेपी के साथ और कितने फीसदी कम्बोज कांग्रेस के साथ? कम्बोज का तो ऐसा है जी 50-50 जा सका। अच्छा जी 50-50 तो दो दो सका सरकार पलट सकती है? बिल्कुल पलटेगी बिल्कुल 90% कम्बोज वोट का जो हिसाब समझ में आया उसमें एक बात तो साफ हो गई, इस बार कम्बोज वोटर्स में उनकी जाति का कैंडिडेट भी एक बड़ा मुद्दा है।
बीजेपी की मुश्किल तब बढ़ सकती थी अगर कांग्रेस या INLD या JJP से कोई कंबोज कैंडिडेट डिक्लेयर होता। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के राजकुमार कश्यप ने जीत हासिल की थी। राजकुमार कश्यप ने निर्दलीय उम्मीदवार राकेश कंबोज को 7,431 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस बार INLD का BSP और JJP का आजाद समाज पार्टी से गठबंधन है और यहां जाटव वाल्मीकि वोट भी ज्यादा है। हाँ जी, आप बताओ। ये भाई साहब थे, इन्होंने कहा जी आप 10 मिनट बैठो, यहाँ सब आ जाएंगे। आ तो गए सब, लेकिन इन्होंने नहीं बोला। अब आपका आकलन बताओ। मैं ये कहना चाह रहा जी, पिछले 5 साल से राम कुमार कश्यप है जो यहाँ के MLA इंद्रियल के गए, उन्होंने किसी भी गांव में इंद्री के आके नहीं देखा, आके ही नहीं देखा। अगर उनके पास कोई काम के लिए गया, वो अज्ञा से एक ही बात बोलते हैं, कश्यप चौपाल बनवानी हो तो बताओ मेरे को, इससे अलग और कोई काम नहीं होगा। अच्छा। क्यों भाई, वो कश्यप है तो कश्यप का ही काम होगा। तो क्या इस बार कंबोज इस बात से नाराज है, जमीन पे असर पड़ेगा? बिल्कुल नाराज है जी। ऐसे से बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं कौन है, उसके सामने खड़े रहो, उनको पता ही नहीं आये हमारा MLA है, आए नहीं वो कभी यहाँ तक। अच्छा, और ये जो बैठक थी, ये आपके समाज के लोग सारे बीजेपी की बात कर रहे थे? भगत है, सबकी अपनी सोच होती है जी। हाँ, सबकी अपनी अपनी सोच है। मोदी का फैक्टर भी था, जो विरोधी है मान रहे कि मोदी का फैक्टर था। तो अब की बार देखना होगा कि जिस डबल इंजन की बात बीजेपी करती है वो कितना असर डालेगी। और कंबोज इस बात को लेकर नाराज हैं कि मौजूदा कश्यप विधायक ने कश्यपों की तो चौपाल बनवाई लेकिन बाकियों का हाल नहीं पूछा। इसको सुनकर ये बात तो साफ हो गई कि कंबोज वोट को लेकर इंद्री में लड़ाई बड़ी है। कुछ तो सरकार से नाराज हैं, लेकिन जो नाराज नहीं हैं, उनका तर्क क्या है? पीछे धान की फसल लहलहा रही है, आगे ट्यूबवेल से पानी चल रहा है और यहाँ चल रही है चुनावी चर्चा। कंबोज किसके साथ, ये है हमारा सवाल। और गांव में कंबोज पॉपुलेशन है। सर जी, क्या नाम हुआ? समय सिंह जी। समय सिंह जी, क्या बता रहा है समय आज का हरियाणा में, किसका दबदबा, क्यों दबदबा? कांग्रेस का तो एक ही मकसद है कि मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए, और इसमें ये पता नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके हाथ में सत्ता चली जाएगी।